चल क्या रहा है यहाँ पे? इन लोगों ने स्विमवेयर राउंड को पता नहीं क्या मजाक बना दिया है, पूरा का पूरा सर्कस बना दिया है। क्या सोचा था मैंने और क्या कर दिया इन लोगों ने। Excuse me, if you don't mind, can I take over? बिल्कुल, अब आप संभालिए स्टेज। Thank you. Hello, ladies and gentlemen, Mrs. Gitanjali Devi Oswal, यानी कि हमारी प्यारी बड़ी माँ को तो यहाँ पे सभी जानते हैं। वो केवल एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन नहीं है बल्कि हमारे इंडियन ट्रेडिशंस वैल्यूज को इनकरेज करने वाली एक ड्राइविंग फोर्स है। और देखिए, आज ये स्विमवेयर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके इनोवेशन यानी नवनीता और कल्चर का फ्यूजन दिखाया है। और पता ही चल रहा है कि इनकी ये लुक से आप सभी लोग इतने इंप्रेस्ड हैं। इन्होंने सबका दिल जीत लिया है, जजेस का भी, है ना? तो ये तालियां और सीटियां साफ साफ बता रही हैं कि सेकंड राउंड का विनर एक ही इंसान है और वो है मेरी सिमर। Yes. ये डिसीजन आप कैसे ले सकती हैं भाभी? घबराओ मत इशिता, डिसीजन जजेस को लेना है और वही लेंगे। और वैसे भी तुम्हारी सोच की तरह हमारी अप्रोच गिरी हुई नहीं, हमने तुम्हारे दिए हुए दोनों राउंड्स पूरे किए, वो भी अपने कल्चर को वैल्यू करते हुए। सो जजेस, प्लीज अपना फैसला अनाउंस कीजिए, हम सब वेट कर रहे हैं। वेल, इट्स वेरी ऑब्वियस, राउंड टू के भी विनर है सिमर ओसवाल। थैंक यू सो मच एवरीवन, लेकिन ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये मेरी माँ की जीत है, मेरी सासु माँ की जीत, मेरी दो बहन, मेरी ननद और सबसे ऊपर ये मेरी बड़ी माँ की जीत है। और जो सपोर्ट मुझे इन रिश्तों से मिला है ना, कि उन रिश्तों की जीत। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरे परिवार के मर्दों की जीत है, जो हमेशा हमें एनकरेज और मोटिवेट करते रहते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता जीतने के अलावा। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू चाचा जी, देवर जी, थैंक यू, most importantly thank you Arif ji, love you Simar, I love you too Arif ji, sabse saath। Ishita, aaj jo tumne competition mein घटिया हरकतें की है, नियमों का उल्लंघन किया है, मर्यादाएं लांघी हैं, उसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो। लेकिन हाँ, यहां बैठे सभी गेस्ट्स और हमारे जजेस को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं कि आपने हमारी बहू सिमर की कोशिशों को समझने का प्रयास किया। और हमें बड़ा गर्व है अपनी बहू पर कि उसने इस कंपटीशन को पूरा किया, चैलेंज को स्वीकार किया और मर्यादा में रहकर इस चैलेंज को पूरा किया। आज एक बार फिर हमारी सिमर बहू ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया।
हमें बहुत गर्व है तुम पर सिमर। और यहां हारी हुई प्रतियोगी इशिता को हम ये याद दिलाना जरूरी समझते हैं कि चैलेंज के रूल्स के अनुसार इशिता तुम्हें ने कहा था कि अगर तुम हार जाओगी तो तुम सिमर के पैर पड़कर माफी मांगोगी। तो इशिता आगे बढ़ो, माफी मांगो और ये सब के सामने स्वीकार करो कि हमारे ट्रेडिशंस, हमारे संस्कार को तुम अपना नहीं पाई, तुम फेल हो गई। और हमारी सिमर ने जो की एक संस्कारी लड़की है, मॉडर्न रवैये, मॉडर्न पोशाक और मॉडर्न सोच को पूरी तरह से अपनाया और बखूबी अपनाया। मांगो माफी। I'm sorry, सिमर भाभी, मैंने संस्कारों और ट्रेडिशंस का मजाक बनाया, उसे अंडर एस्टिमेट किया। I'm sorry. प्लीज इशिता, बात झुकने झुकाने की नहीं, बात संस्कारों को समझने की। इशिता, हमारे कपड़े या अपीयरेंस से थोड़ा ये डिसाइड होता है कि हम केपेबल हैं या नहीं। और हमारे पास तो लेटेस्ट एग्जाम्पल भी है इशिता, रिस्पेक्टेड मैडम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। दिखने में कितनी सिंपल है लेकिन उनकी सोच और एक्शन, इतने हम्बल बैकग्राउंड से आके भी उन्होंने खुद कितना कुछ अचीव किया। दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी की प्रेसिडेंट बन गए। अगर ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है तो फिर क्या है? जहां जो मैं हूं मुझे उसके लिए जज किया जाए, ना कि उसके लिए जो मैंने पहना है। और इशिता, हमारे पास तो एक और सक्सेसफुल सेलिब्रिटी का एग्जांपल है, प्रियंका चोपड़ा। वो हमेशा कितनी ग्लैमरसली ड्रेस्ड होती, क्या पर्सनालिटी है, क्या बोलती है, क्या परफॉर्मेंस करती, हमेशा अपने करियर और चॉइसेस के लिए टॉप में रहती। बट दैट्स हर चॉइस। और सिर्फ यही दोनों नहीं, हमारी हिंदुस्तान की कितनी सारी औरतें हैं जो स्पोर्ट्स, आर्ट, साइंस, पॉलिटिक्स, हर फील्ड में एक्सेल कर रही हैं। सबकी अपनी अलग अलग स्टाइल है लेकिन वो सक्सेसफुल सिर्फ अपने टैलेंट और काम की वजह से। और अगर हम अपने कल्चर और ट्रेडिशन को अच्छे से अडेप्ट करें तो हमें समझ में आएगा कि वो हमें बांधते नहीं बल्कि हमें आजाद करते। और अगर इसी एटीट्यूड और सोच से हम अपने ट्रेडिशन को हमारे आगे आने वाली जनरेशन को पास ऑन करेंगे तो देख ले, वो भी बिल्कुल पॉजिटिवली इसे अपनाएंगे और आगे भी बढ़ेंगे। क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल वे से हम सिर्फ इमोशनली नहीं जुड़े बल्कि उसके बहुत सारे वैज्ञानिक फायदे भी। और हमारा इतना रिच हेरिटेज हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेगा और सही रास्ता दिखाएगा। शाबाश सिमर बेटा, आज तुमने इस दुनिया की हर गृहिणी, हर नारी का सर ऊंचा कर दिया है। भले ही उनका पोशाक सादा हो, पारंपरिक सोच हो, लेकिन पहचान हर एक की अलग है। इस दुनिया की सारी लड़कियों की सोच अगर हमारी सिमर की सोच जैसी खूबसूरत हो और नियत निर्मल हो तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस दुनिया की हर लड़की अपने घर, अपने परिवार की आत्मा और दिल बन सकती है। और हम सच कह रहे हैं, हमारी सिमर ऐसी ही है, तभी हमारा मंदिर जैसा घर बन गया है ससुराल सिमर का।
काव्या यहाँ क्या कर रही? उस दिन ओसवाल मैंशन में भी देखी थी। अरे जी हाँ, बात क्या है? क्या हो बेटा? कुर्सी लेकर आना। इशिता, तुम्हें नहीं कहा था कि अगर तुम हार जाओगी तो तुम सिमर के पैर पड़कर माफी मांगोगी? माफी मांगो। संभालो अपने आप को। एक छोटा सा कंपटीशन ही तो था, उसे इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? और तुम ये बात अच्छे से जानती हो ना कि तुम्हारे सामने उस सिमर की कोई औकात नहीं। तुम भी शांत हो जाओ। यही तो उसकी चाल है मॉम। सबको लगता है कि वो बेचारी झल्ली सी, सिंपल सी, बहन जी टाइप की घरेलू औरत है। नहीं, वो शातिर औरत है, शातिर। वो अपने चाल से अपने इस मासूम चेहरे को यूज करके सबको अपने जाल में फंसा लेती है, सारी सिचुएशन का से कंट्रोल में कर लेती है वो, और चीट भी जाती है। लेकिन उसने इशिता को हराया है वो, और इशिता कभी नहीं हारती। इशिता, आई एम नॉट अ लूजर। अरे इतना शोर क्यों मचा के रखा है? और ये सब क्या है? और इशु, तू पी है? मैं हार नहीं सकती, मैं नहीं हार सकती। अभी यहीं तो थी, कहां गई? ऐसे कैसे गायब हो गई? तुम्हें मना किया था ना यहां आने से? तुम्हारी हिम्मत कैसे आगरा में आने की? हाँ महेश, हमारे बीच जो कुछ भी हो उसके बाद मुझे तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आना पड़ा। मैं तुम्हारी बात सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। प्रियांश, प्लीज मेरी बात सुनो। प्रियांश, मैं नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। मुंडे में नहीं जा सकती? कहना क्या चाहती हो? प्रियांश, बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? अरे तो प्लीज लो, कुछ भी करो, मामला रफा दफा करो, मेरा बच्चा छोड़ो। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? बच्चा तुम्हारा? ये आवाज कहां से आ रही? सिमर भाभी, रियांश सुनो ना, छुटकी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अदिति, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। थैंक गॉड सिमर भाभी चली गई यहाँ से। इशिता इज अ लूजर, इशिता इज अ लूजर। नीचे उतरो, तुम लूजर नहीं हो। और ये क्या पागलपंती लगा के रखी है? पागल तो उस सिमर ने कर रखा है मुझे। वो जानती भी है कौन हूं मैं? इशिता कपूर। ओप्स,
इशिता ओसवाल हूँ मैं, और इशिता किसी से नहीं हारती, कभी नहीं हार सकती। इशिता, इशिता, वोट फॉर इशिता, इशिता, वोट, नीचे उतरो, वोट फॉर इशिता, बिल्कुल चुप, नीचे बैठो। पलवी जी, आप शायद भूल गई हैं कि इसके हल्दी फंक्शन में कैसे आरोपी वान रीमा और सिमर ने जब पी थी तो बड़ी माँ ने कितना बड़ा तमाशा किया था इस घर पे। जब उन्हें पता चलेगा कि उनके आंख के कांटे ने इस घर में पी है तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना बड़ा बवाल हो सकता है। ऐसा मत कहो चित्रा जी, ये बात सोच सोच कर ही मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। देखिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मम्मी और बेबी दोनों बिल्कुल ठीक है। एक्सर्शन की वजह से क्रैम्प आ गए होंगे, बट ये भी ठीक है, आप घर ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। अब तुम्हारा कैटवॉक शैटवॉक हो गया हो तो घर चले मैडम? भाई, आरिफ जी कहाँ पे? वो रिसेप्शन पे गए थे पेमेंट करने। तो आप लोग भी आइए, मैं आरिफ जी के पास जाती हूँ। आते भैया, लेकिन वो कायनात के रूम से क्यों निकल रहे? कौन लड़की बैठी थी? इशिता तो नहीं लग रही थी, तो फिर कौन लड़की हो सकती? ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, मैं रियांश भैया को कॉल करके पूछती थी। ये सिमर बाप क्यों कॉल कर रहे हैं? आज भैया ने तो फोन काट दिया। काम करती हूँ, इशिता इशिता को फोन करके पूछ लेती हूँ। कोई नहीं हरा सकता, मैं जीतूंगी। सिमर हट, मेरे को हराएगी। कोई नहीं हराता। अब ये फोन क्यों कर रही है? सिमर सिमर भाभी, आप मुझे कॉल कर रही हो? हेलो इशिता, क्या तुम रियांश भैया के साथ हो? इशिता बेटा, क्या हुआ इशिता, तुम ठीक तो हो ना? मुझे हरा कर अब मुझसे पूछ रही हो कि मैं ठीक हूँ? ऐसा पूछ भी कैसे सकती हो सिमर भाभी कि मैं ठीक हूँ? इशिता, तुम मेरी सिंपल से क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर, इस वक्त तुम किसके साथ हो और कहाँ हो? मैं नहीं बताऊंगी। नहीं, आप डेबिल हो, आप एक नंबर की डेबिल हो सिमर भाभी। हेलो हेलो हेलो, तो ठीक नहीं लग रही थी। मुझे इतना तो यकीन है कि वो उस वाले मेंशन में है, वही लड़की कौन हो सकती?